तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है? तो चलिए करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अनलाइक जुडिशियल कस्टडी, द पुलिस कस्टडी रिक्वायर द एक्यूज टू बी फर्निश्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स। बोल रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी की तरह नहीं, जो पुलिस कस्टडी है उसमें जो एक्यूज है उसको मेनली 24 आवर्स के अंडर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है? ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि जुडिशियल कस्टडी में ऐसा नहीं होता कि 24 आवर्स के अंडर हमें पुलिस के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ता है किसी को। लेकिन पुलिस कस्टडी में ऐसा होता है कि मेनली जैसे ही एक्यूज जाता है तो उसको मेनली किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर के अंदर प्रेजेंट करना पड़ता है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इन द जुडिशियल कस्टडी द इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी कैन इंटेरोगेट ए पर्सन, वाइल इन पुलिस कस्टडी ऑफिशियल्स नीड द परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग। देखो ये बिल्कुल उल्टा दे रखा है। अगर पुलिस कस्टडी है, अगर पुलिस के पास कस्टडी है किसी भी एक्यूज्ड की, तो याद रखना वो उस पर्सन से पुलिस इंटेरोगेट कर सकती है बिना किसी की परमिशन के, ठीक है? तो ध्यान रखना, जब कोई पुलिस कस्टडी में होता है तो जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको कोर्ट की परमिशन नहीं होती है। याद रखना, पुलिस कस्टडी में अगर वो उनको पुलिस कस्टडी मिली गई तो उनको फिर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर जुडिशियल कस्टडी है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी को मेनली जुडिशरी या किसी मजिस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको उससे इंटेरोगेट करना है तो, ठीक है? तो ये दोनों ही अपोजिट दे रखे हैं, तो ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए, ठीक है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। पुलिस कस्टडी मेनली क्या होती है? देखो, पुलिस कस्टडी मेनली क्या होती है? पुलिस कस्टडी होती है कि मेनली इसमें प्रोटेक्शन और केयर मेनली कौन प्रोवाइड करती है? इसमें मेनली प्रोटेक्शन और केयर पुलिस प्रोवाइड करती है। जबकि जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें मेनली प्रोटेक्शन और जो सेफ्टी है वो कौन प्रोवाइड करते हैं? उसमें जो सेफ्टी है वो कौन प्रोवाइड करते हैं? उसमें मेनली जज प्रोवाइड करते हैं। उसमें प्रोटेक्शन और सेफ्टी कौन प्रोवाइड करते हैं? मेनली इसमें जज प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ आपको दोनों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है? किसके बारे में? कस्टडी के बारे में ही, ठीक है? देखो, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है और पुलिस कस्टडी क्या होती है। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है पुलिस के पास फिजिकल कस्टडी है एक्यूज्ड की, जबकि जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी है एक्यूज्ड की, ठीक है? तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है? ये ध्यान रखना। उसके बाद द एक्यूज्ड इज लोज्ड इन पुलिस स्टेशन लॉकअप। देखो, जब एक्यूज्ड पुलिस स्टेशन मतलब देखो, पुलिस कस्टडी में क्या होता है? जो एक्यूज है वो पुलिस लॉकअप में होता है, ठीक है? पुलिस स्टेशन के लॉकअप में होता है। जबकि जबकि जो जुडिशियल कस्टडी है वहाँ पे कहाँ पे होता है? जुडिशियल कस्टडी में मेनली वो जेल में होता है। कहाँ पे होता है? जुडिशियल कस्टडी में वो जेल में होता है, याद रखना। पुलिस कस्टडी में कहाँ पे होता है? वो जेल के लॉकअप, सॉरी, पुलिस स्टेशन के लॉकअप में होता है। जबकि जेल जुडिशियल कस्टडी में कहाँ होता है? वो जेल में होता है, ठीक है? उसके बाद व्हेन द पुलिस टेक अप ए पर्सन इन टू कस्टडी, जब भी पुलिस किसी की कस्टडी लेती है तो सीआरपीसी एक्ट लग जाता है उसमें। कौन सा लगता है? सीआरपीसी। और उसको 24 आवर्स के अंडर, अरेस्ट के 24 आवर्स के अंडर किसको प्रेजेंट करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज है। उसके बाद, ठीक है, अब हमारा डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल कस्टडी और रिमांड के अंदर क्या डिफरेंस है वो हमारा बता रखा है कि पुलिस कस्टडी क्या होती है, ठीक है? पुलिस कस्टडी में क्या होता है? फिजिकल कस्टडी होती है। जो पुलिस है उसको एक्यूज्ड के फिजिकल कस्टडी मिल जाती है। जुडिशियल कस्टडी में कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास मेनली जो एक्यूज्ड की जो कस्टडी है वो चली जाती है, ठीक है? एक्यूज्ड की कस्टडी चली जाती है। ये हो गया हमारा, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? बोल रहे हैं कि एक सस्पेक्ट जो है पुलिस कस्टडी के अंडर या जुडिशियल कस्टडी के अंडर, उसको केवल सस्पेक्ट माना जाएगा। याद रखना, सस्पेक्ट ही माना जाएगा। पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी के अंडर अगर कोई भी पर्सन है उसको केवल सस्पेक्ट माना जाएगा। और इन टाइप की कस्टडी, उसको प्रिवेंटिव मेजर्स बोला जाता है, ठीक है? अब और जब जुडिशियल कस्टडी होती है तो पुलिस ऑफिसर को अलाउड नहीं होता कि वो सस्पेक्ट को क्या करे? इंटेरोगेट करे। उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी उसको इंटेरोगेशन करने के लिए, ठीक है? तो ये हमारे इसमें बताया गया है। उसके आगे देखो, कौन कौन से लॉ हैं जो मेनली कस्टडी को वो करते हैं? तो एक है सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है? सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, ये मेनली क्या बताता है? ये मेनली बताता है कि एक पर्सन है उसको पुलिस कस्टडी 15 मतलब मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है
है 15 दिन की पुलिस कस्टडी, ठीक है, सेक्शन 167 के अंडर ये बोला गया है, ठीक है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो वो 15 दिन की बोल सकता है, जबकि अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो 7 दिन की कस्टडी के बारे में बोल सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो जुडिशियल कस्टडी है वो कितने दिन तक एक्सटेंड हो सकती है, 90 डेज तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं कि सेक्शन 436 क्या बोलता है, देखो सेक्शन 436 बहुत इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी का। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी अंडर ट्रायल है, अगर कोई भी अंडर ट्रायल है और वो जुडिशियल कस्टडी के अंडर है, ठीक है, और उसने अपनी जो आधी पनिशमेंट, जितनी भी टोटल पनिशमेंट है उसकी आधी उसने काट ली है, वहाँ पे उसकी खत्म हो गई है, तो वो उसको डिफॉल्ट बेल दी जा सकती है, उसको डिफॉल्ट बेल दी जा सकती है। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम पीरियड जो जुडिशियल कस्टडी का है उसको मैक्सिमम पीरियड जो ऑफेंस के लिए अवॉर्डेड है उसका हाफ माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 436, ठीक है। लेकिन अब एक्यूज्ड को भी कुछ वो है या फिर जो सस्पेक्ट है उसको भी कुछ राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसके अंडर दिए गए हैं, आर्टिकल 22 के अंडर दिए गए हैं। उसमें मेनली क्या है कि जो पर्सन किसी को अरेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसको रीजन बताने पड़ेंगे कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया, और 24 आवर्स के अंडर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर अपनी चॉइस का भी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें क्या क्या हैं, देखो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपके डाल दूंगी कहाँ पे, ये और देख लेना सेक्शन 309 क्या है, सेक्शन 167 क्या, अभी बताया 15 दिन की कस्टडी मेनली उसको मिल जाएगी, 167 के अंडर क्या मेनली जो है मेनली पुलिस और जुडिशियल कस्टडी मेनली 15 दिन की है उतनी मिल जाएगी, ठीक है मेनली, और सेक्शन 309 आप देख लेना, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपकी डाल दूंगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपको चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये थी मेरी जुडिशियल और पुलिस कस्टडी। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा देखो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हिरोशिमा एआई प्रोसेस क्या है, ठीक है। हिरोशिमा एआई प्रोसेस क्या है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, किसका इनिशिएटिव है। देखो हिरोशिमा एआई प्रोसेस जो है ना, याद रखना ये G7 ग्रुपिंग का इनिशिएटिव है। किसका है, G7 ग्रुपिंग का इनिशिएटिव है, और ये G7 ग्रुपिंग की मीटिंग 2023 में हुई थी। ये 2023 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये मेनली हिरोशिमा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ये मेनली हिरोशिमा में हुई थी, और मेनली किसके लिए हुई थी, एआई को रेगुलेट करने के लिए हुई थी। क्यों हुई थी, एआई को रेगुलेट करने के लिए हुई थी। और मेनली इसमें जो हिरोशिमा एआई प्रोसेस है ये मेनली किसके साथ मिलके काम करेगी, दो के साथ मिलके काम करेगी, एक तो OECD के साथ मिलके काम करेगी और एक काम करेगी किसके साथ मिलके, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई के साथ मिलके काम करेगी, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई के साथ मिलके काम करेगी। और ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई क्या है, ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। ये क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। मेनली कब लॉन्च किया गया था, ये 2020 में लॉन्च किया गया था। जब 2020 में लॉन्च किया तो इसके 15 मेंबर थे, अब इसके कितने मेंबर हो गए हैं, 29 मेंबर्स इसके हो गए हैं। कितने मेंबर हो गए, 29 मेंबर हो गए हैं, और इंडिया भी इसका मेंबर है। याद रखना ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई का इंडिया भी मेंबर है, अब इसके 29 मेंबर हो गए हैं। और मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई को सेक्रेटरीट कौन प्रोवाइड करता है, इसको सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है OECD, ठीक है। OECD ही इसको सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी किसके बारे में, हिरोशिमा एआई प्रोसेस के बारे में। आपको इसके लिए कुछ मीन्स के लिए कुछ चीज़ें तैयार करनी होंगी, याद रखना, ठीक है। मीन्स के लिए आपको इसके चीज़ें क्या याद करनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। जनरेटिव एआई क्या है, ठीक है, जनरेटिव एआई क्या है, इस ये आपको मीन्स के लिए तैयार करना होता है। जनरेटिव एआई जो अपने आप ही इमेजेस या कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी चीज़, जैसे कि ChatGPT है, ये एक टाइप का जनरेटिव एआई है, अपने आप ही कंटेंट को मतलब जनरेट कर सकता है, तो ये है जनरेटिव एआई, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेयर यूज़ ऑफ IPR का क्या इशू है, ठीक है, फेयर यूज़ ऑफ IPR का क्या इश्यू है। मान लो कि कोई भी कंटेंट अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उठा रहा है, अगर वो किसी कॉपीराइटेड कंटेंट से उठाता है तो उसमें क्या इश्यूज़ आएंगे, तो ये सारी चीज़ें फेयर यूज़ ऑफ IPR में है, तो ये सारे इश्यूज़ कैसे रिजोल्व होंगे, क्या चीज़ें ये सारी इसमें आएंगी, ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है, मेनली मीन्स के लिए। इसके अलावा सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस क्या हैं AI के, ठीक है, सिग्निफिकेंस चैलेंजेस क्या हैं AI के, और इसके अलावा जो ओपन ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव और जो मेनली रिस्पॉन्सिबल AI है उसको कैसे बनाया जाए या उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए फ्यूचर के लिए, तो ये मेनली आपको प्रिपेयर करना है किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो ये आपको मीन्स का कंटेंट प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स का मैंने बता दिया। हिरोशिमा AI प्रोसेस क्या है, हिरोशिमा AI प्रोसेस G7 ग्रुपिंग का एक इनिशिएटिव है जो मेनली AI को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ओपन बनाने के लिए मेनली ये जो ग्रुपिंग है ये मेनली वो करेगा, ठीक है, इसको पार्टिसिपेट करेगा, मेनली इसको वो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग होलसेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले, होलसेल इन्फ्लेशन डज नॉट कैप्चर प्राइस मूवमेंट्स इन नॉन कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स लाइक सर्विसेज। कल ही ये क्वेश्चन हुआ था, कल परसों ही, कि होलसेल इन्फ्लेशन बिल्कुल जो सर्विसेज हैं उनके प्राइस मूवमेंट को कैप्चर नहीं करता है, जो मेनली टू थर्ड एक्टिविटी को बनाती हैं। होलसेल इन्फ्लेशन जो है मेनली रिफ्लेक्ट नहीं करता है ऐसे प्राइस मूवमेंट को जो सारी होलसेल मार्केट में होती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। और थर्ड है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ऑफन रिफ्लेक्ट लार्ज एक्सटर्नल शॉक्स, एज सच होलसेल इन्फ्लेशन रेट इज ऑफन सब्जेक्टेड टू लार्ज डिवीजन। बिल्कुल लार्ज डिवीजन होते रहते हैं, तो ये लार्ज एक्सटर्नल शॉक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट इसके होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में सही हैं। और मैंने आपको उस दिन बताया था WPI और CPI के बीच में बताया था क्या डिफरेंस होता है। और CPI को मेनली जो कौन यूज़ करता है, RBI यूज़ करता है मेनली कैप्चर करने के लिए कि क्या कैसे इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, उसके लिए CPI मेनली यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर हमें क्या बोलता है, हमें बताना शेयर बाईबैक के बारे में। देखो, शेयर बाईबैक का मतलब क्या होता है। देखो, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज रूट। देखो, शेयर बाईबैक में भी स्टॉक एक्सचेंज रूट के बारे में पूछ रखा है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, एक न्यूज़ आई थी कि सेबी ने ये डिसाइड किया है कि वो शेयर एक्सचेंज रूट के थ्रू जो भी शेयर बाईबैक होते हैं उसको बैन करेगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोला है? ठीक है, तो मेनली ये बैन करने की बात चल रही है, एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेकंड चीज़ पे आते हैं। तो सबसे पहले है, अंडर दी स्टॉक एक्सचेंज रूट ए कंपनी कैन बाय बैक शेयर्स ओनली ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स। तो बोल रहे हैं कि हमें बतानी है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखना। तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज रूट के अंडर कोई भी कंपनी है वो अपने शेयर्स को बाई बैक कर सकती है अगर उसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं और स्टॉक एक्सचेंज पर ही वो बाई बैक कर सकती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज रूट है उसमें जो शेयर बाईबैक होंगे वो केवल स्टॉक एक्सचेंज रूट से ही होंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे ही होंगे। ठीक है, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, इन दिस मेथड द प्रमोटर्स और पर्सन इन कंट्रोल ऑफ ए कंपनी आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द बाईबैक। याद रखना ये चीज़ है कि इसमें जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं या फिर जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं वो अलाउड नहीं होते बायबैक करने के। ठीक है, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं या जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं वे मेनली अलाउड नहीं होते हैं बायबैक करने के। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि शेयर बायबैक दो टाइप, एक टाइप के तो ये हो गए कि हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, एक दूसरे टाइप के होते हैं उसको बोलते हैं टेंडर ऑफर के थ्रू। किसके थ्रू? टेंडर ऑफर के थ्रू। ठीक है, टेंडर ऑफर के थ्रू जो शेयर मतलब जो बायबैक होते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, कौन से शेयर बोलते हैं जो टेंडर के थ्रू होते हैं उसको टेंडर ऑफर के थ्रू बोलते हैं। मेनली टेंडर ऑफर के थ्रू होते हैं ये, मेनली क्या होते हैं, फिक्स्ड प्राइस के होते हैं। मतलब पहले ही इनका प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ये फिक्स्ड प्राइस के होते हैं, याद रखना। और मेनली ये प्रोपोर्शनल बेसिस पे शेयर इशू किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ज़्यादा इक्विटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, फेयर है। ठीक है, ध्यान रखना, इनका शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा क्या है, फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, ये है। इसीलिए इसको रखने की बात चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज वाले को जो है बैन करने की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि ये मेनली ऑर्डर मैचिंग, जो ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म है उसके थ्रू मेनली ये जो है शेयर एक्सचेंज होते हैं या शेयर बायबैक होते हैं। ठीक है, ऑर्डर मैचिंग के थ्रू होते हैं, प्रमोटर्स अलाउड नहीं है। सेबी ने इसको फेज आउट करने की बात की है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है दोनों में कि हमारे जो शेयर बायबैक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक टेंडर ऑफर वाले और एक हमारे कौन से वाले, स्टॉक एक्सचेंज रूट वाले। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो रॉन्ग ही हमें बतानी थी, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। ठीक है, आ गया समझ में, मेनली शेयर बायबैक दो टाइप के होते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, रैप्टर्स के बारे में। किसके बारे में? रैप्टर्स के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि जो रैप्टर्स हैं वो एपेक्स प्रीडेटर माने जाते हैं, जो मेनली फूड चेन के टॉप पे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये एपेक्स प्रीडेटर होते हैं। और रैप्टर्स को मेनली क्या कहा जाता है, बर्ड ऑफ प्रे भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है, बर्ड ऑफ प्रे भी कहा जाता है। बहुत सारी आते हैं इसमें, जैसे कि आउल हो गया, वल्चर हो गया, बहुत सारी स्पीसीज आते हैं इसमें। ठीक है, फिर रैप्टर्स एक्ट एज इकोलॉजिकल बैरोमीटर हेल्प इन गोजिंग दी हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट। बिल्कुल इकोलॉजिकल बैरोमीटर भी इनको बोला जाता है, उसकी तरह काम करते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट की हेल्थ को बताने में हेल्प करते हैं। थर्ड है, रैप्टर्स जो है वैल्यूएबल इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेस्ट को कंट्रोल करेंगे, रोडेंट्स, जैसे कि रोडेंट्स को, और मेनली डिजीज को स्प्रेड करने से रोकेंगे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी सही है। ठीक है, तो ये है हमारे रैप्टर्स के बारे में। ठीक है, मेनली इसको एक और कहा जाता है, इसको इंडिकेटर स्पीसीज भी बोला जाता है। कौन से स्पीसीज बोला जाता है, इसको इंडिकेटर स्पीसीज भी बोला जाता है।
ठीक है, याद रखना है इनको इंडिकेटर स्पीसीज भी बोला जाता है, ठीक है। और मेनली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब इतने ही अच्छे हैं तो मेनली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स उठ रहे होंगे, रैप्टर एमओयू, ठीक है, याद रखना है एक रैप्टर एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, रैप्टर एमओयू एक साइन हुआ है। ये मेनली क्या है, मेनली बर्ड बर्ड ऑफ प्रे को मेनली अफ्रीका और यूरेशिया में प्रोटेक्ट करने के लिए, कहाँ पे, अफ्रीका और यूरेशिया में, अफ्रीका और यूरेशिया में मेनली प्रोटेक्ट करने के लिए रैप्टर की स्पीसीज को रैप्टर एमओयू साइन हुआ है। और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, ठीक है, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, 2016 में इंडिया ने इसको साइन किया है, ठीक है, रैप्टर एमओयू को, रैप्टर को प्रेजेंट करने के लिए। किसके अंडर रैप्टर एमओयू साइन हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के अंडर, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज या फिर जिसको बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं, उसके अंडर मेनली ये साइन हुआ है। तो ध्यान रखना रैप्टर एमओयू साइन हुआ है इसके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, इंडिकेटर स्पीसीज भी इसको बोला जाता है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी, ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट नेक्स्ट उस पर क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताना है, इसके बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं कि सबसे पहले दी हड़प्पन सिटीज यूज्ड बर्नट ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग्स, वेयर एज इन दी कंटेम्पररी बिल्डिंग ऑफ इजिप्ट ड्राइड ब्रिक्स वर प्राइमरली यूज्ड। बोल रहे हैं कि हड़प्पन सिटीज में मेनली बर्नट ब्रिक्स का यूज होता था, जबकि जो इजिप्ट की कंटेम्पररी बिल्डिंग्स है वहाँ पर ड्राइड ब्रिक्स का यूज होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, अनलाइक हड़प्पन मेसोपोटामियंस डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स, तो याद रखना एलिफेंट्स के बारे में जिस जानकारी किसको थी, हड़प्पन्स को थी, ठीक है, याद रखना मेनली एलिफेंट्स को किसने डोमेस्टिकेट किया था, हड़प्पन्स ने, ठीक है, हड़प्पन्स ने भी किया था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो हड़प्पन्स भी करते थे। थर्ड है, सीसम एंड मस्टर्ड वर ग्रोन ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ये भी ग्रो होते थे, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया अभी, ठीक है, इसका आंसर भी हुआ। ये समझ में आया कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, मेनली हड़प्पा और मेनली मेसोपोटामिया की हमें क्या बता रहे हैं, मतलब डिफरेंस बता रहे हैं। देखो हड़प्पा और मेसोपोटामिया में तो वैसे भी काफ़ी सारे डिफरेंसेज हैं, ठीक है, वैसे भी काफ़ी सारे डिफरेंसेज, जैसे कि अगर हड़प्पा में बात करें, लोग जो है मेनली स्मॉल विलेजेस में रहते थे, ठीक है, मेनली विलेजेस में रहते थे, जबकि मेसोपोटामिया में मेनली जो लोग थे वो सिटीज़ और टाउन्स में रहते थे, ठीक है। मेनली जो हड़प्पा है वहाँ पे घरों के चार दीवारी लगाई जाती थी ताकि घरों को प्रोटेक्ट किया जा सके, जबकि जो मेसोपोटामिया है वहाँ पे पूरी सिटी के अराउंड एक वॉल बनाई जाती थी ताकि पूरी सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। ये जो हड़प्पन्स थे वो, इनको ज़्यादा मेनली पीसफुल कम्युनिटी बोला जाता है, जबकि ये उतने ज़्यादा पीसफुल नहीं थे, ठीक है। ये मेनली किस में ट्रेड करते थे, हड़प्पन्स मेनली ट्रेड करते थे भाई कॉटन हो गया, बीड्स हो गया, मतलब जो आर्ट एंड ज्वेलरी हो गया उसमें करते थे, जबकि जो मेसोपोटामियंस थे वे मेनली प्रीशियस स्टोन्स में मेनली क्या करते थे, वो करते थे, ट्रेड करते थे प्रीशियस स्टोन्स में, ठीक है। और यहाँ पे मतलब हड़प्पन्स में ऐसा माना जाता है कि मेनली जो हाउसेस थे वो सिटाडेल वगैरह के अराउंड बने हुए थे, सिटाडेल के अराउंड बने हुए थे, लेकिन जो मेसोपोटामिया था ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे मेनली जो हाउसेस थे वो टेम्पल्स के अराउंड, ठीक है, या फिर पैलेसेस के अराउंड बने हुए थे। कहाँ पे, टेंपल्स के अराउंड या फिर पैलेसेस के अराउंड वहाँ पे मेनली जो हाउसेस थे वो बने हुए थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा किंगशिप का कोई कंसेप्ट नहीं मिलता कि किंग वगैरह कुछ होता था, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे किंग भी होता था, आर्मी भी होती थी और मेनली एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों ही यहाँ पे मेनली सीक्वेंस मिलते हैं कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे किंग रूल करता था, आर्मी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, लेकिन हड़प्पा में उतना कुछ वैसा नहीं दिखता है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया में ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पे मेनली कि किसी सिंगल डाइवाइन की पूजा होती थी, ठीक है, किसी सिंगल डाइवाइन की पूजा होती थी, ठीक है, किसी एक भगवान की पूजा होती थी, इसलिए टेम्पल्स बनाए गए थे, जबकि मेनली हड़प्पा में क्या होती थी, नेचर वर्शिप होती थी, ठीक है, मेनली नेचर वर्शिप होती थी। और हड़प्पा में काफ़ी सारी ऐसी मदर गोडेस की भी मूर्ति मिली है, ऐसा माना जाता है कि शायद जो हड़प्पन्स की थी वो एक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जबकि जो मेसोपोटामिया है वो मेनली क्या थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं मेनली किसके बारे में, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बारे में, कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, बहुत एंशियंट थी ये वो देख लेना, ठीक है। डिफरेंसेज मेन थे तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हमें बताना है हड़प्पन्स के बारे में, सबसे पहले है अनलाइक द इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियंस द हड़प्पन डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, बिल्कुल जो हड़प्पन्स थे वो लंबे लंबे इंस्क्रिप्शन नहीं लिखते थे। सेकंड है द हड़प्पन मोस्ट ऑफ द हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस वर रिकॉर्डेड ऑन सील्स एंड कंटेन्स ओनली अ फ्यू वर्ड्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि मेनली सील्स पे रिकॉर्ड हुए हैं हड़प्पन्स के जो इंस्क्रिप्शन है और मेनली कुछ ही वर्ड्स उन्होंने लिखे हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स उन्होंने नहीं लिखे हैं। थर्ड है दी हड़प्पन स्क्रिप्ट इज लार्जली अल्फाबेटिकल, याद रखना हड़प्पन्स की स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं थी, उनकी जो मेनली स्क्रिप्ट थी वो क्या थी, पिक्टोरल थी, मेनली पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन के या पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मेनली वो लिखते थे, ठीक है, अपने इंस्क्रिप्शन को बनाते थे। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने, तो केवल दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें वेस्ट टू ईस्ट हमें में बतानी है हड़प्पन सिटीज़ कहाँ पे हैं। देखो मोहनजोदड़ो, गनेरी वाला, कोट डिजी और बनावली। तो आपने देखा होगा कि ये जो तीन साइट्स हैं ना, ये तो पाकिस्तान में ही है, ये है एक बनावली, ये इंडिया में है, ठीक है। तो ये इधर आ जाती है, जो हमारी फोर्थ वाली है ये सबसे हमारी कैसे मिलेगी, ईस्ट में मिलेगी, ठीक है। ये दो जगह दे रखी है। अब देखो अगर आप ऐसे देखोगे ना मैप को, ठीक है, ऐसे है, तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, यहाँ मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे है हमारा कोटदीजी, और यहाँ के आसपास है हमारा गनेरी वाला, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा बनावली, ठीक है, हरियाणा के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे है बनावली। तो ये है हमारी मेन क्या, हड़प्पन की साइट की कहाँ कहाँ पे, वेस्ट टू ईस्ट में हमें लगानी थी, तो वेस्ट टू ईस्ट में हमने लगा दी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। आप देख लो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, तो मैंने सिक्वेंस लगा दिया, तो आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बताना ऋग वैदिक पीरियड के बारे में। देखो ऋग वैदिक पीरियड में ना, मतलब थोड़ी सी क्राइम वगैरह कम थे, या मतलब ठीक ठाक चीज़ें थी, ये चीज़ ध्यान रखना, ऋग वैदिक में मतलब ठीक ठाक चीज़ें चल रही थी। सबसे पहले कैटल रियरिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन था, बिल्कुल था। वुड मेनली यूज़ होती थी आर्टिकल्स बनाने के लिए, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, ये भी यूज़ होते थे, एंड आयरन वॉज एबसेंट। देखो यहाँ पे आयरन भी होता था, याद रखना, यहाँ पे आयरन भी होता था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है, आयरन भी होता था। थर्ड है द बार्टर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लेटर वैदिक पीरियड, याद रखना, ऋग वैदिक पीरियड में बार्टर सिस्टम था, याद रखना, ऋग वैदिक पीरियड में बार्टर सिस्टम था, और लेटर वैदिक में नहीं आया था, वो ऋग वैदिक में ही था। एंड सॉरी, एंड ट्रेड ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड वॉज कंडक्टेड विद द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड कॉइन्स। देखो ऋग वैदिक पीरियड में नहीं, लेटर वैदिक पीरियड में मेनली जो है गोल्ड कॉइन से के एक्सचेंज में ट्रेड होता था, और गोल्ड कॉइन्स को मेनली क्या बोला जाता था, निशाकास। आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा, निशाकाज आए थे, कि गोल्ड कॉइन्स को मेनली निशाकाज बोला जाता है, तो ये मेनली लेटर वैदिक पीरियड में यूज होते थे, ठीक है, और थोड़े बहुत स्टार्ट जो है ऋग वैदिक में भी हो गए थे, लेकिन मेनली लेटर वैदिक पीरियड में इनका यूज होता था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रहूंगा, सेकंड स्टेटमेंट भी रहूंगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए, क्योंकि हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर हो जाता है हमारा ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ऋग्वैदिक, अर्ली ऋग्वैदिक सोसाइटी के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज और सती हाईली प्रेवलेंट थी। मैंने बताया था कि वहाँ पे अच्छी चीज़ें थी, बहुत बुरी चीज़ें नहीं थी, तो नहीं, चाइल्ड मैरिज और सती वहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी। पोलीगैमी वाज प्रोहिबिटेड फॉर रिलीजियस रीजन। बोल रहे हैं कि पोलीगैमी जो थी वो रिलीजियस रीजन्स के कारण क्या थी, प्रोहिबिटेड थी। तो याद रखना पोलीगैमी थी वहाँ पे, पोलीगैमी थी, लेकिन उसको कौन कर सकते थे, उसको मेनली जो नोबल्स थे, मतलब मेनली जो किंग थे, या फिर जो नोबल्स थे, जो मतलब हायर क्लास थी, रॉयल फैमिलीज थी, जो मेनली जो रॉयल फैमिलीज थी वो मेनली पॉलीगैमी कर सकती थी, तो प्रोहिबिटेड नहीं थी, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज और सती भी नहीं थी, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है, कोई करेक्ट तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, करेक्ट तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, चाइल्ड मैरिज भी वहाँ पे नहीं होती थी, और जो पॉलीगैमी थी वो मेनली थी वहाँ पे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो दोनों ही स्टेटमेंट अर्ली ऋग्वैदिक सोसाइटी के बारे में हमारे रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी नोट पे जो हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जल्दी जल्दी से हमारे चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहें, और आपकी जो नॉलेज का कैनवस है वो और ज़्यादा बड़ा होता रहे, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।